ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए आने वाले समय में जून के मध्य काल में ग्रहों का योग आयोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर समझना चाहिए, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाने के योग जून के मध्य काल में बनने वाले हैं और सूर्य आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि के स्वामी हैं। और जिन दिनों वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और एक समझें कई ग्रहों का परिवर्तन जून के मध्य काल में होने के योग है। कई विशेष पर्व भी इस समय में पड़ने वाले हैं। बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जून के मध्य काल में कई बार विशेष प्रकार के योग बनेंगे। एक तो त्रिग्रही योग पहले से चल रहा है, सूर्य शुक्र और बुध एक साथ चलने वाले हैं इस जून के मध्य काल में और उसके बाद जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन होगा, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो एक और त्रिग्रही योग बन जाएगा। पहला वाला त्रिग्रही योग जिस प्रकार से बना है सूर्य बृहस्पति और बुध का और उसके बाद जो बाद में यानी विशेष तौर पर तारीख के हम समझें कि जून के मध्यकाल के बाद से भी 12 और 13 तारीख के आसपास जो परिवर्तन करके योग बनेगा सूर्य शुक्र और बुध, ये अपने आप में विरोधाभासी योग है। शुक्र के साथ सूर्य की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। सूर्य विशेष तौर पर देवताओं के राजा हैं और वहीं शुक्र जो है वो विशेष तौर पर तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं और देवताओं के साथ साथ उनकी हमेशा सही रूप से बनती रही है तो विरोध प्रवृत्ति के ग्रह होने के कारण से वो पुरानी कहावत भी आप याद कर लीजिएगा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये जो और दो दो ग्रह अस्त चल रहे हैं तो इन सब का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कहाँ कहाँ होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, ये आपके एकादशवें भाव में ग्रहों का योग विशेष तौर पर बनेगा। इसके साथ साथ यदि जून के मध्यकाल में हम ग्रहों के योगायोग के साथ साथ पंचांग के दृष्टिकोण से मुहूर्त के समय को समझें तो ये बहुत विशेष महत्व रखने वाला है। बुढ़वा मंगल का योग पड़ने वाला है जून के मध्यकाल में दो बार, साथ साथ शुक्र का परिवर्तन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ धूम्रावती भगवती की जयंती भी आने वाली है, एकादशी निर्जला एकादशी, पूरी एकादशियों में बड़ी विशेष स्थान रखने वाली निर्जला एकादशी आने वाली है। गंगा दशहरा भी आने वाला है जिसमें कहा जाए दशम पापम हरति दशहरा, दशम दशों पापों को हरने वाला ये गंगा दशहरा आने वाला है। इसके साथ साथ विशेष तौर पर हम समझें तो ग्रहों का योग बटुक भैरव जयंती भी आने वाली है, ये एक बहुत विशेष महत्व है। लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं लेकिन भगवान भैरव बटुक भैरव जो हैं वो समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। तो इन सब का प्रभाव, इन सब मुहूर्तों को कैसे आप अपने जीवन में शुभ योग बना सकते हैं, ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कहाँ क्या होने वाला है, उन सब के बारे में आज डिटेल तौर पर हम बात करने वाले हैं। ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके लिए करने वाला है इस सब संबंध में आपको समझाने भी वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि तारीख के हिसाब से हम आरंभ करें तो विशेष तौर पर 11 तारीख की 11 जून को मंगलवार है, जेठ का महीना चल रहा है और साथ साथ मंगलवार के साथ साथ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और सिंह राशि में चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे लेकिन रात्रि में जाएंगे, सुबह कर्क राशि में रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, इस दिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है और बुढ़वा मंगल है और साथ साथ ये बड़ा विशेष योग बन रहा है तो आप समझें थोड़ा ग्रह आपके लिए हल्का दिखाई देता है, थोड़ा मनोमस्तिष्क में नेगेटिव एंजाइटीज थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रहेंगी, अननेसेसरी के कुछ बवाल आपको थोड़े परेशान करने के योग बना सकते हैं, थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। इस दिन जातक जन्म लेंगे उनका अश्लेषा नक्षत्र पड़ेगा इसलिए उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह के दृष्टिकोण से यदि आपको हम ओवरऑल तरीके से देखें तो विशेष तौर पर मंगल का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में होकर चुका है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, नए संपर्क साधने का अवसर है, नए राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय दिखाई देता है, इसको आपको सही से यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय बहुत भाग्य से आया है, बुढ़वा मंगल का योग पड़ रहा है और ऐसे में बुढ़वा मंगल विशेष तौर पर आप समझें तो बड़ा सुंदर रहेगा, हनुमान जी को प्रसन्न कर आप मंगल की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं और मंगल इस वक्त आपके भाग्य में भाग्य जगाने के लिए बैठे हुए हैं
तो श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य रखा है, सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा गया है। बुढ़जेठ का बुढ़वा मंगल जो पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाला पर्व है, हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला पर्व है। और देवता चित्तन धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, शास्त्र में कहा गया है ना। तो सुंदर तरीके से इस बुढ़वा मंगल को खाली मत जाने दीजिएगा। तीसरा बुढ़वा मंगल है और इसके बाद एक और पड़ने वाला है और उसके बाद जेठ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें आनंद भाव से परमात्मा का स्तवन करते हुए सुंदर तरीके से भगवान का भजन भी अवश्य करने का प्रयास करें। और यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें, विवेकानंद योगाश्रम में चल रहे इस अनुष्ठान में जो ये बुढ़वा मंगल पर 11 तारीख को किया जाएगा उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर है और षष्ठी तिथि विद्यमान है। सिंह में पदार्पण कर चुके हैं चंद्रमा रात्रि में ही, और ये परिवर्तन आपके लिए नई शक्ति को संचार करने वाला रहेगा। और ऐसे में शुक्र भी परिवर्तित होकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और ये मिथुन राशि में प्रवेश करके अस्त अवस्था में तो हैं लेकिन विशेष तौर पर ये आपके लिए कई मामलों में बड़ा अच्छा योग बना सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण है, तो नए कार्यों के लिए मुहूर्त विशेष तौर पर हम घर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नया घर परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो, और शादी इत्यादि की बात करें तो उनके लिए मुहूर्त नहीं शुभ है, लेकिन छोटे मोटे कार्य के लिए ग्रह अच्छा दिखाई देता है। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए लाभ के योग सुंदर तरीके से बना सकता है, ऐसे में ग्रहों में अवस्था दिखाई देती है। लेकिन मघा नक्षत्र है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि मूल के अंतर्गत आता है, और इसे एक दिन पहले अश्लेषा नक्षत्र था, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। मूल शांति एक बहुत सुंदर तरीका है, तो इसको करवा लेनी चाहिए और इससे ग्रहों का कष्ट दूर हो जाता है। और ये शोध का बहुत सुंदर विषय ज्योतिष के अंदर बताया गया है, और बहुत शोध कर कर इसके उपाय का निवारण जो है, कष्ट का निवारण जो है उपशास्त्र के अनुसार से बताया गया है, तो उसको अवश्य करा लेने का प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जीवन के भार, परिवार के कष्ट दूर हो जाते हैं, अन्यथा व्यक्ति जीवन में परेशान होने के योग बनते रहते हैं। 13 तारीख की हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये सप्तमी तिथि आपके लिए ग्रह दृष्टिकोण से अच्छी ही दिखाई देती है, आपके लिए आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, सुंदर तरीके से आपको लाभ के अवसर भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा प्रयास पॉजिटिव वे में करने की ज़रूरत है। आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, ग्रहण दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, इसलिए मेहनत से भागेगा मत, थोड़ा क्रोध कम कीजिएगा, बस इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर है। अंदर से शांत हैं आप इस वक्त, ग्रह दृष्टिकोण दिखा रहा है कि अंदर से शांत, बाहर से दिखाने के लिए थोड़ा बहुत दिखाई, क्योंकि आपका वो स्वभाव ही है कि थोड़ा सा खाऊं फाड़ू स्वभाव आपका रहता ही रहता दिखाई देता है, क्योंकि सिंह राशि वाले लोग शांत बहुत जल्दी, सामने वाले पे आभा मंडल ऐसा ही पड़ता है कि भाई शांत नहीं है, तो ये स्वभाव तो आपका बना रहेगा, लेकिन ग्रहण दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है कि अंदर से इन दिनों आप शांत चल रहे हैं, मन में नया कुछ करने की उत्कंठा है, उत्साह में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें पीली चीज़ों का दान कर दें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीला टीका लगाना, हल्दी का टीका लगाना, केसर का सेवन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये सारे उपाय कर कर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। 14 तारीख की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ये आपके लिए बड़ा सुंदर ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध बहुत सुंदर तरीके से बनता दिखाई दे रहा है, चंद्रमा यहाँ पर बहुत शुद्ध रूप से आपके लिए उपस्थित हो रहे हैं, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन और भी हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। रात्रि में करीब करीब 12:24 के आसपास सूर्य परिवर्तित होकर आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था। मिथुन में बुध भी स्वग्रही होने का योग बनाएंगे, और ये आपके लिए एक और सुंदर योग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बनाता दिखाई देगा। तो आनंद भाव से जो आपने पुरानी मेहनत करी हुई है उसका फल प्राप्ति करने के दिन 2-3 अच्छे दिखाई देते हैं, तो इस तिथि का आनंद लेते हुए कार्य करें। भगवती धूम्रावती जी की जयंती है, कई कष्ट ऐसे होते हैं जीवन में जो एक बार आ जाते हैं और बहुत देर तक कष्ट देने के योग बनाते हैं, जैसे आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे में माँ भगवती का धूम्रावती का एक ऐसा दिव्य प्रयोग शास्त्र में वर्णित है, यदि ऐसे मुकदमों के समय में इस सुंदर तिथि में माँ भगवती की सुंदर तरीके से पूजा कर ली जाए तो कई प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य, जो 11वें अध्याय में आया है, और उस मंत्र बाधा का, उस मंत्र का उपयोग कर कर आप बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए तांत्रिक दृष्टिकोण से उसका उपाय कर सकते हैं। हमने देखा है कि रिजल्ट आते हैं और बहुत सुंदर तरीके से विजय प्राप्ति के योग बनते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, संक्रांति इस दिन नहीं पड़ेगी, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है रात्रि में 12:27 के बाद परिवर्तन होने का योग बन रहा है, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाएगा। और मिथुन की संक्रांति बड़ी अद्भुत होती है,
शास्त्र में कहा गया केवल जल दान से ही मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो समझ लीजिए 15 तारीख को ग्रहों का योग क्या कह रहा है आपके लिए। शनिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और उस दिन संक्रांति का पुण्य जैसा हमने कहा वो भी विद्यमान है और साथ साथ महेश नवमी भगवान शिव की सुंदर आराधना करने का सुंदर अवसर है और ऐसे में भगवान शंकर पर जाकर सुंदर गंगा जल से उनका अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, संक्रांति का पुण्य प्राप्त है। और ये संक्रांति है जिस दिन घी दान करना, जल दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यथाशक्ति यदि आप कार्य करने का प्रयास करेंगे, सुंदर तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए सुंदर बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर ग्रहों का योग बना हुआ है। तो मंगल विशेष तौर पर आपके भाग्य में विराजमान है, चंद्रमा पर पूरी तरह से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और इन सब ग्रहों को देखते हुए आपके लिए केवल जिद में ना आने इस बात का ध्यान रखें। शनि की दृष्टि आपकी राशि पर इन दिनों लगातार बनी हुई है, शांत भाव से समझने का प्रयास करें कि सामने वाले क्या कह रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करने का प्रयास करें। ये आपकी राशि के अनुसार से उपाय बन रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। और विशेष तौर पर यदि इन सब चीज़ों को समझ के आपने कार्य कर लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा, आगे बढ़ने के योग सुंदर तरीके से बन सकते हैं। इस समय को निकालिए मत, शांति से कार्य करने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव वे में काम चल रहा है उसको आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 16 तारीख के लिए हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए तो विशेष तौर पर बड़ा ही अद्भुत दिवस है। देखिए रविवार का अवसर सिंह राशि वालों के लिए वैसे विशेष होता है, दशमी तिथि विद्यमान है और ये दशमी तिथि असाधारण दशमी तिथि नहीं है। इस दिन गंगा दशहरा है, जेठ की शुक्ल पक्ष की दशमी जो है गंगा दशहरा के रूप में जानी जाती है। माँ गंगा का पदार्पण इस संसार में जब हुआ तो कहा जाता है इसी दिन भगवान के चरणों से निकलकर भगवान शिव ने इनको अपने सिर पर धरा और फिर पृथ्वी पर भागीरथ के अदम्य अद्भुत प्रयासों से उनके पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उन पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ भगवती यहाँ भागीरथ के द्वारा उपस्थित हुई थी। उनकी साधना से, तीन पीढ़ी की साधना से प्रस्तुत हुई थी और कहा जाता है दशों पापों को हरने वाला ये दशहरा एक गंगा जी में डुबकी समस्त पापों को हर लेती है। इस सुंदर तिथि में समस्त प्रकाश से आनंद भाव से ये कार्य करने का प्रयास कीजिए। बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन, बहुत कम लोगों को इस बारे में ज्ञान होता है कि बटुक भैरव जयंती भगवान शिव का एक बड़ा सात्विक स्वरूप है और विशेष तौर पर बड़ा 8 वर्ष के बालक के रूप में बटुक भैरव जो साक्षात शिवलिंग से उत्पन्न हुए मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, आपत्तियों को हरने वाले हैं। और हमने इस सुंदर तिथि पर विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर एक कार्यक्रम भी रखा है कि जिसके अंदर ग्रह शांति यज्ञ के साथ साथ भगवान बटुक भैरव जयंती मनाई जाएगी, उनका सुंदर यज्ञ किया जाएगा। हमने ऐसे अद्भुत कार्य देखे इस मंत्र के प्रभाव से जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरुकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। कैसी भी कष्ट हो, जो विशेष तौर पर अनेक रूप से परेशान कर रहे हो, इस दिन यदि पुओं के द्वारा, खीर के द्वारा उनका हवन किया जाए भगवान भैरव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र के द्वारा, तो अद्भुत रूप से कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। ये अद्भुत है। अब सिंह राशि वालों के ग्रह के दृष्टिकोण से भी देख लें तो ग्रह तो ओवरऑल बहुत अच्छे बने हुए हैं आपके लिए। बृहस्पति पर दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा विशेष तौर पर कहते हैं माता पिता का ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद देते हुए जो भी कार्य करोगे उसमें विजय प्राप्ति करने के योग बनेंगे। तो सुबह सुबह सुंदर आशीर्वाद बड़ोजनों का लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर गंगा दशहरा में पूजन कर कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, ग्रहजन के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। 17 तारीख के लिए हम बात करें तो सोमवार का अवसर एकादशी तिथि और ये एकादशी विशेष है, निर्जला एकादशी स्मार्थों के लिए इस दिन मानी जाएगी और वैष्णवों के लिए अगले दिन रहेगी मंगलवार को। तो एकादशी के दिन ग्रह नक्षत्र आपके दिखाते हैं कि रात्रि में ही चंद्रमा जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं और तृतीय भाव में जाकर चंद्रमा आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, साहस में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन को थोड़ा चंचल करते दिखाई दे रहे हैं। धन खर्च है कुछ ज़्यादा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का जरूरत है आपको। जो भी करें सोच समझ के करने का प्रयास करें। ऐसे में बहुत सुंदर है निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना अद्भुत माना जाता है, भगवान विष्णु का सुंदर रूप से पूजन करने का प्रयास कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए ग्रह नक्षत्र इस आपके लिए जो परिवर्तन की तरफ गए हैं, शुक्र सूर्य बुध का ये परिवर्तन का योग बनाए, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास प्रवृत्ति के होने के कारण से, सूर्य के साथ शुक्र का संयोग होने के कारण से, बुध का संयोग होने के कारण से थोड़ा सा आपके मन को, बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा, बच्चों को खासतौर पर परेशान कर सकता है आपके ग्रह। बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए, जिनकी संतान है उनका ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए और मनोवृत्ति को शुभ कार्य की तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र और बुध दोनों इंद्रों अस्त चल रहे हैं, ऐसे में विशेष तौर पर आप देखिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि जल का दान करने का प्रयास करें।
और जल में भी विशेष तौर पर यदि सुगंधित इत्र युक्त जल, केवड़े का इत्र युक्त जल का आप वितरण करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सुंदर है। खरबूजे का दान करना, तरबूज का दान करना, ये सब आपकी राशि के अनुसार से बहुत ही उपयुक्त दिखाई देता है। इसके साथ साथ बिल्व का, इन दिनों बेल आ रही होंगी, बेल के शरबत का दान करना भी आपके सूर्य के दोषों को शमन करने वाला रहेगा। तो ये समस्त उपयोग प्रयोग जो है आप करके बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। ग्रह गण दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार, एकादशी तिथि, और थोड़ी देर के लिए रहेगी, सुबह 6 बज के करीब करीब 24 मिनट तक ही एकादशी रहनी है, उसके बाद द्वादशी का आगमन हो जाएगा। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक नियम है कि एकादशी को यदि द्वादशी युक्त एकादशी मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। स्मार्थों के लिए तो एक उदयादिति के रूप में विद्यमान रहती है, और जो विशेष तौर पर है, और वो विशेष तौर पर वैष्णवों के लिए आज के दिन। तो मैं कहूँगा इसमें मतभेद में ना फंसे, बड़ा सुंदर है एकादशी का पुण्य है ना, ये सुंदर तरीके से आप दोनों दिन मनाने का प्रयास कर लिए। मेरा तो मत इसी प्रकार से है, और ये एकादशी ने आप बुढ़वा मंगल के दिन सुंदर योग बनकर बड़ा सुंदर तरीके से योग बना दिया है। बुढ़वा मंगल है, चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, और जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगल जो होते हैं बुढ़वा मंगल कहे जाते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह अनुकूल हैं, बस समय का सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके मित्रगण आपके समय को बर्बाद करने के लिए, आपके सुंदर लाभदायक समय को बर्बाद करने के लिए अनेक कार्यों में आपको फंसा सकते हैं। आपके बॉस लोग, आपके मित्र लोग, आपके रिश्तेदार लोग, इसलिए आपको बड़ी सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर राहु के साथ जिस प्रकार का एक विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, आपके सप्तम और अष्टम भाव में बैठकर ये आपके पैरों में चक्कर लगा रहे हैं, एक जगह स्थिर होने नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी रहेगी बोलने में, कुछ कट पर जाने कोई बिना सोचे समझे ही मुख से कुछ निकल जाएगा और फिर उससे बवाल बनने की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे में शांत रहते हुए कार्य करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें इस बुढ़वा मंगल पर कि आपके लिए सही रूप से शनि महाराज को शांत करें, राहु केतु के दुष्प्रभाव को आप कुंडली शांत करें। इसलिए बुढ़वा मंगल पर हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करें, मंगल सुंदरकांड का पाठ करें, और ये जेठ का महीने में तो सुंदरकांड का पाठ अद्भुत है। भगवान की भक्ति से मिलन करने का भगवान हनुमान जी का सुंदर योग है, तो इसलिए भक्ति से ही जब हम भक्ति की शरण में चले जाते हैं तो भगवान की संतान बन जाते हैं। तो सुंदर हनुमान जी जब भक्ति से मिलने गए, माँ सीता से उनका मिलन हुआ, तभी वो भगवान के पुत्रवत रूप में उपस्थित हुए। तो भगवान ने तो उससे पहले उनको सुत नहीं कहा था। तो सुंदर तरीके से इस सुंदर आयोजन पे आप भाग लेने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे इस सुंदर तिथि पर बड़ा सुंदर सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी घर पे करिए। नहीं आ पा रहे हैं तो आश्रम में सहयोग जब जुड़ जाइए, अपने नाम से कराइए। देखिए ईश्वर की कृपा से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर तिथि है और ये फिर एक वर्ष बाद ऐसा योग बनेगा। बहुत पता नहीं एकादशी पड़ेगी नहीं पड़ेगी उस दिन, लेकिन इस दिन एकादशी भी पड़ गई है तो और साथ साथ सुंदर योग बन गया है, तो इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख का अवसर, बुधवार का योग, द्वादशी तिथि है और साथ साथ प्रदोष का योग बन रहा है। चंद्रमा बदल रहे हैं अपनी चाल को और चंद्रमा जा रहे हैं बृहस्पति के सामने, लेकिन थोड़ा मनोमस्तिष्क में क्षीणता आ सकती है। लाभ के योग बनेंगे अवश्य, चिंता मत करिए आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन थोड़ा मनोमस्तिष्क नेगेटिव रहता दिखाई दे रहा है। इसको अपने मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती और लाभ के योग बनने तैयार होते हैं, और ऐसे में उम्मीद मन में पता नहीं क्या था, नेगेटिव भाव आ रहे हैं। तो ये दिन इस प्रकार का है कि मन में नेगेटिव भाव उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, सफलता आपके पास तैयार खड़ी है। यदि आप आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ उस सब जो स्वाद लेने का प्रयास करोगे तो इस बात का ध्यान रखें आप अपनी जड़ता में फंसे हुए हैं। शनि महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्न को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जड़ता दे रहे हैं, तो उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। लगे रहिए सही दिशा में चल रहे हैं, चिंता ना करें, लाभ गारंटीड है। दृष्टिकोण से प्रदोष है, बुध प्रदोष, कोशिश करें शिव का स्तवन करें शाम के समय बिल्वपत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय। शास्त्र कहता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्रैच पूजये शिवशंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये प्रदोष है, यदि बुद्धि में सही समय पर सही समय आ जाए तो बहुत जरूरी है। देखिए बुद्धि इंद्रों वश चल रहे हैं, बुद्धि कहीं ना कहीं ट्यूबलाइट की तरह काम करेगी, पुराने वाली ट्यूबलाइट कि जलती बुझती विचार लेट आया, तो ऐसे में ये प्रयोग अवश्य कीजिएगा। बुध प्रदोष पड़ रहा है तो भगवान शिव पर जाकर अपनी जितनी आयु है सुंदर बिलपत्र, नए नए बिलपत्र आ रहे हैं इन दिनों,
प्रकृति नई प्रस्फुटित हो रही है, नए बिलपत्र कूड़े कोमल कोमल टूटे हुए कच कच नहीं मिलेंगे, अखंड ही मिलेंगे बिल्कुल सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से तोड़ तोड़ कर जितनी आपकी आयु है उन शिवाय का पाठ करते हुए आनंद भाव से भगवान शंकर को प्रदोष के समय पर ये उपस्थित करें। देखिए बुद्ध के समस्त दोष हरकर भगवान आपकी कृपा करके आपके लाभ के योग सुंदर और बढ़िया बनाते दिखाई देंगे, इसका सुंदर लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 20 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन त्रयोदशी तिथि है, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बने हैं, चिंता ना करें, आनंद भाव से आपको काम करने का प्रयास करें। नए संपर्क साधने का सुंदर अवसर आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों सुंदर तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आशा करते हैं आप इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है, ज्योतिष के दो भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए, गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पर आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए समझ लीजिए एक बात खासतौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, भटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पढ़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आम तौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है, ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है, जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके हिसाब से किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं, आपकी लग्न, जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्य वालों को समझ सकते हैं और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे। देखिए गोचर का प्रभाव है, संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल करेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग प्याम विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति जन्म, अपने जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है, और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए, उनके भविष्य में आने वाली कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है, हम आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग,
ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है, और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ, 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएँ, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएँ पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्मा पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करें। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नग खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है, तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई, यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का शिव विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया शिव विग्रह कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या दुराव, विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देखे गया, और आज वो सुंदर विशाल भगवती का शिव विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्यपति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं, हॉस्पिटल बनाया गया है योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़े हैं, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है, विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान, अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।